द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि के लिए आइए हम प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होगी वह कांच की एक शीशी, गर्म दूध, नींबू, सिरिंज और द्रव्यमान मापने की मशीन। इसके लिए सर्वप्रथम हम इस गर्म दूध को कांच की शीशी में डालेंगे। इसे इस प्रकार डालकर रख देते हैं। इसके पश्चात नींबू को रस को हमें सिरिंज में लेना होगा। इस प्रकार हमने नींबू का रस सिरिंज में प्राप्त कर लिया है। अब इसे शीशी में यूं फंसाकर इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। हम द्रव्यमान मापने की मशीन में इस प्रकार रखते हैं और इसका द्रव्यमान मापन करते हैं। इसका द्रव्यमान हमें 41.96 ग्राम प्राप्त हो रहा है। द्रव्यमान मापन के पश्चात हम इस नींबू के रस को दूध में मिला देते हैं। इसे मिलाने से यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जिसे सामान्य भाषा में हम दूध का फटना कहते हैं। इसका द्रव्यमान मापन पुनः करते हैं। हमें इसका द्रव्यमान पुनः 41.96 ग्राम प्राप्त हो रहा है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व भी था। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व भी द्रव्यमान वही प्राप्त हुआ जो कि रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत प्राप्त हुआ, जिससे द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है।